हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई अपना एक नया चैप्टर जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होने वाला है। तो इससे पहले के चैप्टर अगर आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नहीं देखे हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इससे पहले के जितने भी चैप्टर है ना भाई, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप एक एक करके सारे चैप्टर्स को देख सकते हो, ठीक है। ये सीरीज मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बनाई जा रही है सेमेस्टर 1, 3 और सेमेस्टर 5 के लिए। चाहे आप एसएलड्यू में हो, रेगुलर में हो या एनसी वेब में हो, अगर आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है तो आपके लिए सीरीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को नोट्स बाय करने हैं, नोट्स परचेज करने हैं, तो भाई नोट्स परचेज करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स को बाय कर सकते हो। जिनको नोट्स बाय करने हैं वो मुझे मैसेज कर ले, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई, बिना टाइम वेस्ट करें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 10, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है पहले आप ये समझो। नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं भाई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ना वो एक्चुअल कॉस्टिंग और परफॉर्मेंस कॉस्टिंग का गैप होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअल कॉस्टिंग और परफॉर्मेंस कॉस्टिंग का एक गैप होता है। गैप कैसे कहने का मतलब है, देखो मैंने एस्टिमेट करा, मैंने ना एक्चुअल में ये देखा कि मैंने एक प्लान बनाया, मैं एक कुआं खोद रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? एक कुआं खोद रहा हूं। ये मेरा एक वेल है, एक कुआं है, ठीक है। मैंने एक प्लान बनाया कि इस कुएं को खोदने के अंदर, खोदने में मुझे कम से कम 15 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। ये मेरा एक प्लान है, एक एक्सपेक्टेड अनुमान है जो मैंने लगाया। बट जब मैं कुआं खोदना स्टार्ट करता हूं तब मेरे को पता चला कि एक्चुअल में 28 डेज लगे हैं इस कुएं को खोदने में, 28 डेज लगे हैं, ठीक है। तो ये जो 28 डेज लगे हैं ये मेरी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिखाता है। ये जो मेरे 15 डेज है ये क्या है? एक्चुअल, जो मैंने सोचे थे एक्चुअल में मेरे को 15 दिन लगेंगे और मैं इस दिन में काम कर दूंगा, बट ना मेरे को 15 लगे, मेरे को लगे 28 दिन। तो इन दोनों का जो गैप है, दोनों का गैप अगर मान लो जिससे 12, 13, 14 जो भी दिन आ रहा है, तो वो जो गैप है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाता है। कि हमने उसको अनुमान नहीं करा था कि वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इतनी आ जाएगी, ठीक है। उतनी ज्यादा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो फालतू आ गई है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है जो आज हम रीड करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 10 में, ठीक है भाई। इस सीरीज के टोटल 13 लेक्चर हैं, 13 लेक्चर हैं, आज 10वां लेक्चर है। तो जल्द ही 3 लेक्चर और आएंगे और उसके बाद ये सीरीज कंप्लीट और खत्म हो जाएगी, ठीक है। मीनिंग है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, इट सर्व्स एज ए बेंचमार्क अगेंस्ट विच एक्चुअल कॉस्ट एंड कंपेयर। कह रहा है कि ये एक बेंचमार्क सेट करती है, क्या करती है? एक बेंचमार्क सेट कर देती है अगेंस्ट एक्चुअल कॉस्ट। जो एक्चुअल कॉस्ट थी ना कुआं खोदने में जैसे 15 दिन लगे थे, तो 15 दिन जो एक्चुअल कॉस्ट है वो, और उसके कंपेयर्ड में उसका कंपेयर्ड किससे करती है? इवैल्यूएट किससे कर रही है? परफॉर्मेंस किससे? परफॉर्मेंस से। एक्चुअल कॉस्ट की इवैल्यूएशन, एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन हम परफॉर्मेंस से करते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है उससे करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैन इंक्लूड एस्टिमेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। स्टैंडर्ड कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड होगा? आपका डायरेक्ट मटेरियल जो है वो इंक्लूड होगा। जैसे मैंने कुआं खोदने के लिए कोई इक्विपमेंट्स वगैरह बाय किए होंगे, तो वो डायरेक्ट मटेरियल होगा मेरा, वो मटेरियल जिनकी मदद से मैं एक्चुअल में कुआं खोदने जा रहा हूं, ठीक है। वो डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, ओवरहेड एक्सपेंसेस जितने भी खर्चे आने वाले हैं उस वर्क को करने में, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, वो सारे प्लस डायरेक्ट लेबर, जो आप मजदूरी कर रहे हो, आपने लेबर लगाई है, आपने जो और भी चीजें करी हैं, तो वो सारी चीजें हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एस्टिमेशन में आती है, ठीक है। आगे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड एस्टिमेट कॉस्टिंग, दोनों के बीच में आपको छोटा सा डिफरेंस बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग मीन्स एस्टिमेट कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आपका गैप होता है वो होती है, एस्टिमेट कॉस्टिंग जो हम एजम्पशंस बना के चलते हैं वो होती है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कोई काम मैं 15 दिन में कर रहा हूं, तो ये मेरा एस्टिमेट है, ये मेरा एस्टिमेट है, अनुमान है, मैं मान के चल रहा हूं ऐसा कि मैं किसी काम को करने में 15 दिन लेता हूं। बट मैं अगर किसी काम को करने में 15 दिन से ज्यादा लगाता हूं तो मेरी परफॉर्मेंस जो है वो 15 दिन से ज्यादा की होगी,
ठीक है। तो मेरा स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट में आपको समझ आ गया डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट प्री डिटरमाइंड एंड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट प्री डिटरमाइंड पहले से ही डिटरमाइन होती है और ये एक हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड होती है जो पुराने टाइम से यूज हो रहा है। एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी, एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी मतलब जो एफिशिएंसी है, जो कुशलता है उसको हटाकर, कुशलता को हटाकर आपका जो हिस्टोरिकल पुराना पहला डेटा है प्रिपेयर करा हुआ वो उस पे बिलीव करती है। इसी जगह अगर मैं एस्टिमेट कॉस्टिंग की बात करूं, एस्टिमेट कॉस्टिंग ए रफ अप्रोक्सीमेटली ऑफ कॉस्ट विदाउट डिटेल्स, क्या कह रहा है, ए रफ अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली मतलब होता है कि लगभग लगभग, रफ मतलब आपने उसको रफ कर रखा है, मतलब कि एक टेम्परेरी बेसिस पे जो आप अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग अंदाजा लगाते हो ना, ये जो कॉस्ट है ये कहलाती है हमारी एस्टिमेट कॉस्ट। कह रहा है कॉस्ट विदाउट डिटेल्स एनालाइज, इस कॉस्ट में हम डिटेल एनालाइज नहीं करते। मुझे कहा गया कि आपको ना ये पूरी सीरीज खत्म करनी है, आप कितने टाइम पे खत्म कर दोगे, तो मैंने एक्सपेक्टेड बताया कि मैं सीरीज को ना भाई नवंबर एंड में खत्म कर दूंगा, एक्सपेक्टेड बताया सारी सीरीज खत्म कर दूंगा नवंबर के एंड में, दिसंबर का एक फर्स्ट डे भी नहीं आने दूंगा, ठीक है, मतलब नवंबर में खत्म करूंगा मेरी तरफ से, मैंने एक्सपेक्टेड बताया, हो सकता है ये दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड डे तक चल जाए, बाई चांस आ जाए, थोड़ा टाइम लग जाए, तो इसीलिए वो हमारा जो होता है क्या होता है, डिटेल्स एनालाइज नहीं होता, विदाउट डिटेल एनालाइज हम करते हैं। प्री डिटरमाइनिंग बेंचमार्क, हम इसमें बेंचमार्क को प्री डिटरमाइन कर लेते हैं, पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने जो डिटरमाइन करा है, हमने बोला कि दिसंबर का फर्स्ट डे नहीं आएगा, नवंबर के लास्ट डे तक हमारी सीरीज चल जाएगी, खत्म हो जाएगी, हमने पहले ही डिटरमाइन कर लिया बेंचमार्क कि नवंबर का एंड, ठीक है, अब चाहे वो आगे टाइम ज्यादा लग जाए, ज्यादा टाइम लग गया तो वो हमारी एस्टिमेट कॉस्टिंग गलत हो जाएगी, समझ रहे हो। आगे लिखा है मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब बताओ, मीनिंग तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, बट यहां भी लिखा है इट एप्लीकेबल इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, क्या कह रहा है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल होती है, वेयर ए कंसिस्ट एंड रिपीटेबल एग्जिस्ट, जहां पर चीजें कंसिस्ट होती हैं, लगातार रिपीटेबल बनाई जाती है, दोहराई जाती है, मतलब वो घूम घूम कर उसी जगह वही चीजों को प्रोड्यूस करा जाता है। इट कॉमनली यूज प्रोडक्शन प्रोसेस, ये कॉमनली प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करी जाती है, सच एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, सच एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं, ऐसे गुड्स जिनको एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता बाय करता है, वो सारे गुड्स का एस्टिमेशन, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स का हो या हो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो सारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंडर आएंगे, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल, भाई बजटरी कंट्रोल अगर आपने नहीं पढ़ा था, भाई बजटरी कंट्रोल अगर आपने नहीं पढ़ा तो बता दूं, बजटरी कंट्रोल का सेपरेट एक चैप्टर पूरा बनाया हुआ है बजटरी कंट्रोल एनालाइज करके। तो बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बीच में कंपैरिजन है तीन चीजों के बीच में, पहला आता है फोकस इन्वॉल्विंग और यूज्ड, फोकस इन्वॉल्विंग और यूज्ड, ये तीनों के बीच में आपको कंपैरिजन बताएंगे। पहली चीज है फोकस, बजटरी कंट्रोल का जो फोकस होता है वो बेसिकली डेटा एनालाइज करने पे होता है, फोकस किस पे होता है, यहाँ पर बजट्स को कंट्रोल करने पे होता है, आपके एक्सपेंसेस हैं, आपके लॉसेस हैं, एक्सपेंस एंड लॉसेस को रिकवर, एक्सपेंस एंड लॉसेस को कैसे आपको आउटपुट को सारा क्या सारा कवर करना है वो आपको देखा जाता है। और ये जो फोकस है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ये एस्टिमेशन पे बेस्ड होता है, ये एस्टिमेट करता है, क्या एस्टिमेट करता है कि एक्सपेक्टेड हमें किस काम को करने में कितना फायदा लगेगा, कितना लॉस लगेगा, कितना एक्सपेंस लगेगा, वो एस्टिमेट करता है। ये इन्वॉल्व करता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। दोबारा सुन लो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, जो मटेरियल आप अपने काम को बनाने में, आप अपने श्रमिक करने में या किसी चीज में यूज करते हो, वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड एक्सपेंसेस तीनों शामिल होते हैं। बट इसके अंदर बजटरी कंट्रोल में सिर्फ एक्सपेंस, रिवेन्यू, इनकम, बॉन्ड रिसीव्ड हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, खर्चे, संडी डेटर, संडी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल और ऐसे कितने ही, सिर्फ वो खर्चे जो मॉनिटरी टर्म में लिखे जाते हैं,
वो खर्चे जो मॉनिटरी टर्म में लिखे जाते हैं, ना कि डायरेक्ट 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 और ओवरहेड, ये नहीं आएंगे। इसके अलावा बाकी जो बताए हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। किसमें? बजटरी कंट्रोल में। यूज क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज होता है एस्टिमेशन के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक बेंचमार्क सेट करती है, आपको मैंने बताया। उसी जगह अगर बजटरी कंट्रोल की बात करें तो वो बजट कंट्रोल करती है, आपकी बुक्स मेंटेन करती है, टैली करने में मेंटेन करती है, फाइनेंशियल लॉस और प्रॉफिट आपको बताने में हेल्प करती है। तो इसके यूज ये लिख सकते हो, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या हैं भाई, फायदे क्या हैं? अब किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस भी आएंगी, है ना? बिल्कुल आएगी भाई। तो हम पहले पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है। पहला आ रखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल मिलता है। आपको पहले ही प्री डिटरमाइन होता है कि कॉस्ट कितनी आ सकती है, हमारा खर्चा लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, फायदा कितना होगा। प्री डिटरमाइन आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हो, जो आपकी परफॉर्मेंस है ना भाई वो इवैल्यूएट कर सकते हो, परफॉर्मेंस क्या क्या होगी आपकी, ठीक है। मोटिवेशंस जो है वो आपको मिल जाते हैं, प्राइसिंग डिसीजन जो है वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। मोटिवेशंस हो जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है, उस टाइम लिमिट पे आपको अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी होती है, एक्चुअल कॉस्ट और एस्टिमेट कॉस्ट दोनों के बीच में कंपैरिजन करके आप मोटिवेटिंग करते हो। फिर लिखा है प्राइसिंग डिसीजन, प्राइस का डिसीजन यहाँ पर लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट होती है, अलग अलग तरह की प्रोसेस है, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, पहले एक्चुअल एग्जम्पशन बनाओगे, फिर एस्टिमेट होगा, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड होगा, फिर आपके परफॉर्मेंस एनालाइज होगा, आपको अलग अलग तरह की प्रोसेस से काम करना पड़ेगा। फिर लिखा है लिमिटेशंस, लिमिटेशंस मतलब वो नुकसान क्या होते हैं। मैंने बताया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से अगर फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे। तो लिमिटेशन में ये है, पहला assumes stable conditions, हम ये मान के चलते हैं कि हमारी conditions stable रहेगी, assume करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं 10 दिन के अंदर 30 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, मैं हर एक दिन 3 वीडियो बनाता हूं भाई, बनाता हूं, क्लियर है, हर एक दिन मैं 3 वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ अलग अलग बुक्स की। बट किसी दिन ऐसा हो जाता है कि कभी लाइट चली गई, कभी हो सकता है मैं कहीं घूमने चला गया, अपने रिश्तेदार में चला गया, या फिर कभी हो सकता है कि संडे है या मेरे कुछ हैपनिंग्स हो गए, चोट लग गई या कुछ हो गया, मैं बीमार हो गया तो नहीं बना पाया। तो इसको मैं मान के नहीं चल रहा, मेरी अजम्पशन क्या है, हम स्टेबल कंडीशन मान के चलते हैं कि अगर मैं आज 3 बना रहा हूं तो आज के जैसा मौसम, आज के जैसा वेदर, आज की जैसी तबीयत मेरी पूरी 10 दिन तक रहेगी। तभी मैं अजम्पशन कर रहा हूं कि 10 दिन में, आने वाले 10 दिन में मैं पूरी 30 वीडियो कंप्लीट करा दूंगा। बट ऐसा होता नहीं, हो सकता है वो 10-30 वीडियो कंप्लीट कराने में मुझे 30 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, हो सकता है मेरी तबीयत पर डिपेंड करें। तो बट मैं जो एज्यूम कर रहा हूं, यहां पर यही प्रॉब्लम है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि आज जैसी तबीयत है, आज जैसा वेदर है, वो हमेशा रहेगा 10 दिन तक। कॉम्प्लेक्स टू इंप्लीमेंट करने में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, आप चीजों को चेंज नहीं कर पाते। अगर आप एक शेड्यूल बना लिया, आप उसको बाद में बदल नहीं सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मे लीड टू कॉस्ट कटिंग, आपका मेन ध्यान कॉस्ट कटिंग पे होता है, जब कॉस्ट कटती जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उस जगह एस्टिमेशन के पैसे कम पड़ेंगे, एस्टिमेशन परफॉर्मेंस फिर आगे सारी चीजें गलत होंगी, है ना। फिर लिखा है वेरिएंस कैन बी मिसलीडिंग, अलग अलग वेरिएंस आते हैं तो वो मिसलीड करते हैं, आपको भटकाते हैं, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती, आपका एक सेट जो करा है आपने स्टैंडर्ड वो नहीं सेट होता, ठीक है। आगे लिखा है प्रीलिमिनरीज इन एस्टेब्लिशिंग ए सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पहला आता है डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, आपको ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं, आपको उद्देश्य खोजने हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों करी जा रही है, क्यों करी जाती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्योंकि हम एक बेंचमार्क सेट करते हैं, किसके अगेंस्ट, एक एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर करते हैं, जब एक परफॉर्मेंस से, एक्चुअल कॉस्ट को परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, तो इसीलिए हमारे उद्देश्य डिटरमाइन किए जाते हैं। टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे क्या होता है, टीम रिस्पॉन्सिबल होती है, टीम के ऊपर डिपेंड्स होता है काम वगैरह, पूरा टीम वर्क से होता है। डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स, टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है जिसकी वजह से स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट होते हैं। स्टैंडर्ड्स मतलब अगर आपने आज बोला है कि आज मैं ये काम करूंगा, हो सकता है आने वाले 10 दिन बाद आप उससे ज्यादा काम कर पाओ, आपकी कैपेसिटी जो है उससे ज्यादा इंक्रीज होती है। आगे लिखा है उसके बाद ट्रेन एम्प्लॉई, आपके जो एम्प्लॉयज हैं आप उनको ट्रेन करते हो, क्या करते हो, ट्रेन, उनको शिक्षा प्रदान करते हो।
जब उनको ज्यादा ट्रेन कर पाओगे तो आपके स्टेब्लिश हो पाएंगे गोल्स, ठीक है। तो आपको हमेशा एम्प्लॉय ट्रेन रखने चाहिए आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज करने के लिए, जिससे क्या होता है, जिससे आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस और आपकी एस्टिमेट जो परफॉर्मेंस है दोनों ही इंक्रीज होती है, ठीक है भाई। आगे लिखा है उसके बाद मैंने सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, इसको कैसे सेट किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज तो यहाँ पे लिखा है एनालाइजिंग हिस्टोरिक डेटा, जो भी आपका हिस्टोरिक डेटा है भाई, लाइक चली गई लगता है, हिस्टोरिक जो भी डेटा है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। मीन्स पास्ट में जो आप गलतियां करके आए हो, जो पास्ट में आपने परफॉर्मेंस दी है, वो परफॉर्मेंस को आज आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस में अगर कहीं कमी है, परफॉर्मेंस के अंदर अगर कहीं पे कोई चीजें रह गई हैं, तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उन चीजों को अब ठीक करना पड़ेगा। आगे लिखा है इवेल्युएटिंग मार्केटिंग स्टैंडर्ड, मार्केट का जो स्टैंडर्ड है वो इवेल्युएट करना पड़ेगा कि मार्केट में कितने ज्यादा लोग हैं जो आपसे जल्दी काम कर सकते हैं, कितने ज्यादा ऐसे मार्केट में लोग हैं जो आपसे बेहतर काम कर सकते हैं, कुशल ढंग से कर रहे हैं, तो वो इवेल्युएट करना पड़ेगा और उनसे ज्यादा आपको अच्छा बनना पड़ेगा। कैलकुलेट एक्सपेक्ट्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि कितना खर्चा कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे आएगा, एक्सपेंस कितना होने वाला है पहले ही एस्टिमेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्री डिटरमाइन बेस्ड है। मैंने बताया था हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमाइन होता है, ये पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है। फिर लिखा है एक लास्ट, सेटिंग रियलिस्टिक एंड अचीवेबल स्टैंडर्ड्स, हमें एक रियलिस्टिक और एक अचीवेबल ऐसे स्टैंडर्ड्स जिनको हम अचीव कर सकते हैं इजीली, तो ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम निर्धारित करने में हेल्पफुल होते हैं सेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। वो गोल्स जिनको हम अचीव कर पा रहे हैं इजीली वे में अचीव कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे गोल्स और ऐसे स्टैंडर्ड्स। तो भाई अभी चैप्टर वेट करो, खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा रह रहा है, पहले आप इसको उतार लो आराम से, स्क्रीनशॉट लेना, मैं स्क्रीनशॉट ले लो मैं हेड्रोमस, फिर आपको मैं मिटा के दोबारा लिखवाने वाला हूँ, थोड़े से कॉन्सेप्ट रह गए। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उसके बाद, उसका नाम है स्टैंडर्ड आवर, और एक दूसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड कार्ड। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने स्टैंडर्ड आवर, नीचे मैंने लिखा है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड मींस कॉस्ट शीट। तो हम ये दोनों टॉपिक्स करेंगे फिर भाई चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो हमारा स्टैंडर्ड आवर कह रहा है इट रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क, कोई एक टास्क को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो एक्सपेक्टेड टाइम हमारा स्टैंडर्ड आवर कहलाता है। स्टैंडर्ड आवर क्या है, एक एक्सपेक्टेड टाइम टू कंप्लीट अ टास्क स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। कह रहा है कि कोई भी काम, अगर मैंने किसी को कहा कि यहाँ पर एक गड्ढा खोदना है, ठीक है, कुआं खोदना है, सपोज कर लो गड्ढा खोदना है, अब इस गड्ढा खोदने के अंदर जो टाइम लग रहा है जैसे कि 10 घंटे 20 घंटे या एक दिन दो दिन तीन दिन, तो वो जो टाइम है ना भाई वो हमारा टाइम स्टैंडर्ड हावर्स कहलाते हैं, ठीक है, हम जो यूज कर रहे हैं। कह रहा है किसी भी ऑपरेशंस में या किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने में जो टाइम यूज होता है, दे यूज्ड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, और इसके यूज से हम कैलकुलेट कर पाते हैं स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, हर एक पर्सन की लेबर कॉस्ट कितनी है। अगर सपोज करो इसको खोदने में हमें टोटल 50 आवर्स लगते हैं, 50 घंटों का टाइम लगा है, और मैंने यहाँ पर अपनी दो लेबर लगाई है और दोनों को मैंने 8-8 घंटे के काम पे रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दोनों को मैंने 8-8 घंटे के काम पे लगाया और इसको 50 घंटे बनाने में लगते हैं कुएं को, तो एक लेबर 8 घंटे दे रही है, दूसरी लेबर 8 घंटे दे रही है, तो 8 + 8 = 16, तो हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी आ गई, 16, हमारी 16 लेबर कॉस्ट है। और इसके हिसाब से जो भी आप उसको पेमेंट कर रहे हो, सपोज करो आप उसको पर घंटे के 100 रुपीज दे रहे हो, तो एक एक घंटे के 800 रुपए बन, सॉरी एक लेबर के 8 घंटे के 800 रुपए बन गए और दोनों को मिला के 1600 रुपए बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट निकालने में मदद करता है। आगे लिखा है डिटरमाइन थ्रू टाइम, टाइम के जरिए हम उनके मोशंस को स्टडी कर सकते हैं कि वो कितनी देर में काम कर रहे हैं। अगर वो लेबर ऐसी है जो मान लो एक घंटे में बहुत धीरे धीरे काम कर रही है, तो वो आप मोशंस कैप्चर कर सकते हो। कंसिडर फैक्टर लाइक वर्क मेथड और स्किल्स,
आप इसी मेथड से उनके स्किल्स लेवल को, उनके वर्क मेथड को और उनके फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है, कितनी लेबर कॉस्ट आ रही है, ठीक है, और कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से इनपुट या आउटपुट आपको मिल रहा है, ठीक है। आगे लिखा उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। कॉस्ट कार्ड को हम बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में कॉस्ट शीट। दूसरी लैंग्वेज मतलब एक ही भाषा भाई, हिंदी सॉरी इंग्लिश ही है, बट इसका दूसरा एक मीनिंग है लैंग्वेज का, इसी वर्ड का मीनिंग है। कॉस्ट कार्ड को आप कॉस्ट शीट भी बोलोगे एग्जाम में, दोनों में से कोई सा भी आ जाएगा, मोस्टली कॉस्ट शीट आएगा पूछेगा, तो कॉस्ट शीट में ही आपको यही लिखना है। कह रहा है इट डॉक्यूमेंट्स, कह रहा है इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्टैंडर्ड कॉस्ट को, जो ये स्टैंडर्ड आवर है ना, स्टैंडर्ड आवर पे जो लगता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो मैंने अभी आपको निकाली कि एक बंदे पे 800 रुपए है ना, तो दोनों पे 1600 रुपए की कॉस्ट आएगी, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करने में कॉस्ट शीट हेल्प करता है, ठीक है। लिखा है फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज, कोई भी आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज जिसको दे रहे हो उस पर आपकी लगने वाली स्टैंडर्ड कॉस्ट और आपकी स्टैंडर्ड प्राइस आप कैलकुलेट कर सकते हो। इट इंक्लूड स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। आपकी तीन चीजें मैंने यहाँ पे बताई है, मटेरियल पे लगने वाली कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट, लेबर्स पे देने वाली स्टैंडर्ड कॉस्ट और ओवरहेड एक्सपेंसेस पे लगने वाली स्टैंडर्ड कॉस्ट को आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे लिखा एज वेल एज एनी अदर रिलेवेंट, इसके साथ ही साथ और कोई रिलेवेंट, इसी तरह से कोई कॉस्ट लग रही है, इसी तरह का कोई और स्ट्रक्चर है या कोई कॉस्ट कंपोनेंट है जहां पर कॉस्ट लगाई जा रही है, तो वो रिलेवेंट सारे के सारे कॉस्ट सारे हम कॉस्ट शीट के अंदर देख सकते हैं, कॉस्ट शीट उनको भी कैलकुलेट कर लेगा। क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड यूज्ड फॉर कॉस्ट कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड क्या बोल सकते हो, कॉस्ट शीट यूज्ड फॉर कॉस्ट कंट्रोल, ये कॉस्ट कंट्रोल में काम आती है, मतलब आपकी जो कीमत है, जो भी प्राइसेस आप लगा रहे हो तो वो कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। साथ ही साथ उसके वेरिएंस या एनालिसिस जो होते हैं, वेरिएंस मतलब कि अगर उसके टाइम के हिसाब से चेंज आ रहा है, अगर आज लेबर 100 रुपये पर डे पे काम कर रही है और कल लेबर 200 रुपये पर डे पे काम कर रही है, तो वो जो वेरिएंस आया है, जो गैप आया है, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाती है और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कराती है कि जो परफॉर्मेंस है एक लेबर की, जो परफॉर्मेंस से काम कर रहा है, तो वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने में हेल्पफुल होती है। तो ये थे आपके दो पॉइंट्स, स्टैंडर्ड आवर और दूसरा था स्टैंडर्ड कॉस्ट कंट्रोल या फिर कॉस्ट कार्ड या कॉस्ट शीट बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 10 पूरा खत्म हो जाता है। आई विश वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जिसको नोट्स बाय करने हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मिनिमम अमाउंट पे करके व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि हमें नोट्स बाय करने हैं, और मिनिमम अमाउंट पे करके आप नोट्स को परचेज कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतनी, सी यू, टाटा, बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग, लव यू ऑल। और अब आप इसको उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो, ठीक है।